मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने सीएम को लेकर चौंकाया था वैसा ही राजस्थान में देखने को मिला। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर किरण राज पुरोहित और मैं हूं राहुल बंसल। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिला कि बीजेपी आला कमान ने चौंकाया सीएम को लेकर, यहां भजनलाल को सीएम बनाया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा चेहरा होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। जो भजनलाल का नाम आया है वो इसी तरीके से है कि जिसकी कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं हो रही थी और भाजपा ने इस तरीके से चौंका दिया। 115 विधायक थे, बहुत सारे नेताओं के नाम चल रहे थे लगातार, उसको बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है, इन सब के बीच भजनलाल का नाम सामने आना किस तरह से देखते हैं? मैं थोड़ा सा आपके इसको समझाने के लिए पीछे ले चलता हूँ। 3 दिसंबर को राजस्थान चुनाव के परिणाम आए, 4 दिसंबर को भजनलाल के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर हुई, उसमें वो संगठन के जो कार्यालय है वहां पे मत्था टेकते हुए नजर आए। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे जो, और पहली बार जब वो संसद पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पे मत्था टेका था। इस बहाने आप ये समझ सकते हैं, इसके मायने ये हैं कि जो भजनलाल हैं वो मोदी और शाह को बिल्कुल फॉलो करते हैं और उनकी रीति नीतियों पे चलते हैं। बीजेपी ने भजनलाल के जरिए क्या साधने की कोशिश की है? देखिए, बीजेपी ने कई चीजों को इस माध्यम से साधने की कोशिश की है। मैं बात करूं कि भजनलाल मूलतः भरतपुर के पास के रहने वाले हैं, अटारी गांव है उनका, और वो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है और पूर्वी राजस्थान में भाजपा बेहद कमजोर है। वहां पे भाजपा ने कोई भी सीएम आज तक नहीं बनाया, एक सीएम बने हैं लेकिन वो भी कांग्रेस से बने हैं और बहुत दशकों से खाली सा है जो पूर्वी राजस्थान है, वहां पे कोई भी सीएम नहीं बनाया, तो इस बहाने पूर्वी राजस्थान को साथ लिया। सर, एक सवाल और, जयपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ कई दशकों से मुख्यमंत्री यहाँ से नहीं बना है, क्या डिप्टी सीएम यहीं से बनाए जाने में कुछ गणित आपको समझ में आ रहा है? देखिए, जो भजनलाल को सीएम बनाया गया है वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। राजस्थान में पिछले 33 साल से कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाए, तो इस तरीके से जो बीजेपी का कोर वोट बैंक में उसमें ब्राह्मण शामिल है, तो एक तरह से सामान्य वर्ग को बीजेपी ने साध लिया। दूसरा, अगर आप, मैं बात करूं कि जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जिसमें दिया कुमारी को बनाया गया है, तो दिया कुमारी के माध्यम से राजपूत समाज को और राजघरानों को साथ लिया, और ये भी बताया जाता है कि वसुंधरा को भी एक तरीके से जो ऑप्शन के तौर पे दिया कुमारी को ला दिया। बैरवा को डिप्टी सीएम बना के उन्होंने दलित समाज को साथ लिया। इस तरीके से आप देखेंगे तो ब्राह्मण, दलित और राजपूत का एक मिक्स कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हुई है। एक सवाल और है सर, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि भजनलाल कहीं ना कहीं डेमी सीएम हो सकते हैं। भजनलाल को लेकर मैं आपको बता सकता हूं कि ये संगठन के आदमी है, दूसरा ये सरपंच से लेकर कई पदों पर काम कर चुके हैं और 4 प्रदेशाध्यक्षों के साथ इनको काम करने का अनुभव है। बस चुनौती इनके सामने ये है कि ये पहली बार के विधायक है और अभी इनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डमी सीएम के रूप में काम करेंगे। फाइनली राजस्थान में भी बीजेपी ने सीएम की घोषणा कर दी है, जल्द ही उनकी ताजपोशी होगी। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।